हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? और आप सभी ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। और मैं अभी बनने जा रहे हैं, रात शाम के हो गए हैं, 7 बज गए हैं और मैं खाना बनाने जा रही थी तो इनका फ़ोन आया कि मुझे चिल्ली पटेटो खाना है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिल्ली पटेटो और आपको भी अपनी रेसिपी दिखाऊँगी। और आपको अच्छा लगे तो आप भी ज़रूर बनाना और मुझे कॉमेंट करना ज़रूर गाइस। और ये देखिए, ये मैंने लिया है प्याज और 2 कलियां लहसुन की और शिमला मिर्च लेकर मैंने इसको इस तरीके से काट लिया है। और मैं ये लिए हैं मैंने आलू, और आलू को मैंने ऐसे पतला पतला सा ऐसे काट लिया है। और अभी इसमें और ये मैंने लिया है आरारोट और इसको ऐसे करके डाल दूँगी। 3-4 चम्मच जितना मैंने इसमें आरारोट डाल के ऐसे मिक्स कर दिया है। आप कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हो, आरारोट डाल के इसे मिक्स कर दिया। और ये थोड़ा सा नमक, अब इसको अच्छे से मैंने ऐसे मिक्स कर दिया है। देखिए मैंने ऐसे कर दिया इसको। और लूंगी मैं फूड कलर, और ये लिया है मैंने फूड कलर रेड वाला। ये थोड़ा सा ऐसे डाल देती हूँ और ये बाद में भी यूज़ होगा गाइस, इसको बाद में भी यूज़ करूँगी। और इसको कर देते हैं मिक्स। आप इसमें थोड़ा सा वाटर भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने थोड़ा सा लिया है 2 चम्मच इतना पानी। अब मैंने ऐसे इसमें छिड़काव कर दिया, इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे मिक्स कर देते हैं, इसको ऐसे अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए अभी मिल गया हमारा अच्छे से तैयार। और यहाँ पर करेंगे हम गैस को ऑन, मैं नीचे से बंद कर देती हूँ, ऊपर किया मैंने गैस को ऑन। मैं ये सारी सामान मैं रिफाइंड ऑयल में बनाऊंगी। अभी इसको मैं सारा फ्राई मैं रिफाइंड ऑयल में करूंगी। ये फॉर्च्यून का रिफाइंड ऑयल है, कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हो। ये मैंने डाल दिया है रिफाइंड, और ये तेल हो गया है मेरा अच्छे से गरम। और मैं अभी डाल रही हूँ इसमें आलू को फ्राई करने के लिए। गोल्डन ब्राउन हो गया है, थोड़ा सा हम इसे और कर देते हैं ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। देखिए इनको मैंने इतना गोल्डन
करके फ्राई कर लिया है, और ये जो बचा है हम इसको भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और ये मैंने एक चम्मच अरारोटा लिया है, इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सा पानी। हमारी मम्मी को भी बनाने आता है। आता है? मुझे भी आता है। इसको हम ऐसे मिक्स करते रहते हैं। ये अब लास्ट में करेंगे। हाँ जी, जाओ जाके खाओ, ठंडा हो गया होगा। और ये मेरे हो गए सभी पोटैटो फ्राई। ये मैंने सब्जियां डाल दी हैं और इसको कर रही हूँ थोड़ा सा फ्राई, हल्का ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसको। और इसमें डालने जा रही हूँ अब मैं नमक। नमक डालूंगी मैं सिर्फ आधा चम्मच, क्योंकि मैंने आलू में भी नमक डाला हुआ है, तो मैं ज़्यादा नमक नहीं डालूंगी, आधा चम्मच ही नमक डालूंगी। और इसको करेंगे अच्छे से फ्राई। और इसके बाद डाल दूंगी मैं ये आलू जो अभी हमने फ्राई किए थे। अच्छे से मिला लेते हैं। खत्म कर दिया? ओके, नीचे रख दो। अब ये हो गए हैं थोड़े से। और ये मैंने जो वही अरारोटा का घोल लिया था और इसमें डाल दिया था मैंने एक पीस जितना कलर, फूड कलर। और इसमें डालूंगी मैं एक डेढ़ चम्मच जितना सोया सॉस, और डालूंगी दो चम्मच टमाटो सॉस, और डालूंगी एक चम्मच जितना सिरका। और इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। ये जाएगा अभी हो गई है रेडी। पोटैटो चिल्ली मेरी हो गई है रेडी। और आपको ये अच्छे लगे रेसिपी तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा गाइस।